तो हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों पैन कार्ड आज की डेट में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका आधार कार्ड है ठीक वैसे ही पैन कार्ड है। तो यहाँ पे पैन कार्ड का महत्व इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जब भी आप सरकारी कामकाज करते हैं तब आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफिसर्स पैन कार्ड जरूर पूछते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप वो पैन कार्ड कहीं पे गुम कर दिया आपने, या तो खो गया या तो गलती से कहीं पे रख दिया है, और आपको वो पैन कार्ड जो अभी सिचुएशन है कि आपको इमरजेंसी में देना है, ठीक है, और आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? नया पैन कार्ड बनवाने तो जाएंगे नहीं, आपको उसका भी एक टाइम है, एक प्रोसेस है, तो वो भी एक टाइम के अपने टाइम पे ही आएगा वो बन के। तो यहाँ पे दोस्तों डोंट वरी, आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आप आराम से, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि घर बैठे ही आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस सिचुएशन में आपको इंस्टेंट ई पैन मिल जाएगा, डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। तो हमें ये ई पैन कार्ड, डिजिटल पैन कार्ड मिलेगा कहाँ से? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपको एक चीज़ चेक करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, वो ये कि दोस्तों जो आपका पैन कार्ड है उसके बैक साइड में आपका कौन सा दिया हुआ है इंस्टीट्यूट का नेम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इंडिया में दोस्तों तीन टॉप इंस्टीट्यूट है जो पैन कार्ड बनाती है। जी हाँ दोस्तों, पहला है NSDL, ठीक है, दूसरा है UTI, और तीसरा अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा आपके पैन कार्ड के बैक साइड कि आपका पैन कार्ड कहाँ से इश्यू हुआ है, आपने कहाँ से बनवाया है, NSDL से बनवाया है, या तो UTI से बनवाया है, या तो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की, जो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वहाँ से बन के आया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पहले एक बार चेक करनी पड़ेगी आपके पैन कार्ड के बैक साइड में। तो चेक करने के बाद ही आप यहाँ पे, फिर मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड इश्यू हुआ है NSDL से, तो आपको बकायदा जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट NSDL पे, और वहाँ से आपको ये पैन कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। सेकेंड, UTI से आपका जो ये पैन कार्ड है वो इश्यू हुआ है, तो आपको जाना पड़ेगा UTI की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। थर्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आपको वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बकायदा एक लाइव डेमो दिखाऊंगा जहाँ पे मैं बारी बारी दिखाऊंगा कि आप कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना डिजिटल पैन कार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मैंने इस तीनों वेबसाइट को मेंशन कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट करेगा। और मेरा कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे भी आपको ये तीन वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे लाइव डेमो की तरफ। तो लाइव डेमो में जाने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे सरकारी कामकाज वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे डेमो की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इश्यू हुआ है तो वो वाला हम पहले देख लेंगे कि कैसे आप वहां से आप अपना डिजिटल पैन कार्ड निकाल सकते हो। तो चलिए जाते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये वाला जो सेकेंड वाला है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आपको दोस्तों बकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टेंट ई पेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा वाला इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है गेट अ न्यू ई पेन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ऐसे। तो गेट अ न्यू ई पैन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, ये वाला जो बॉक्स है दोस्तों, इस बॉक्स पे आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड के जो 12 डिजिट रहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दे दिया आपने,
एक बार देने के बाद यहाँ पे फिर आई कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ऐसे आधार कार्ड दे देना है आपको 12 अंकों का, और यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये कंटिन्यू का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों होगा क्या, जो आपका रजिस्टर नंबर है आधार कार्ड के साथ लिंक है उस नंबर पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगा सबमिट ओटीपी का। ओटीपी सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और बटन दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का पैन कार्ड का, तो आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया इनकम टैक्स वाला हमारा पैन कार्ड। तो दोस्तों अब चेक कर लेते हैं एनएसडीएल का पैन कार्ड, ठीक है। तो आप जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 12 डिजिट का पैन नंबर दे देना है, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पे दे देना है, ओके। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देनी है आपकी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे जीएसटी ऑप्शनल है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये क्लिक कर देना है आई कन्फर्म आई अंडरस्टैंड, और नीचे यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट का कैप्चा यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो जो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे ओटीपी पूछा जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है एनएसडीएल का ई पैन कार्ड निकलने का, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे वाले पे अभी। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन है जहाँ से आपका पैन कार्ड इश्यू हुआ है यूटीआई से। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे पैन नंबर देना है पहले बॉक्स में, ठीक है। पैन नंबर देने के बाद आपको जो दूसरा बॉक्स है वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दे देना है। ये जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हैं वरना नहीं। और यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाया जाएगा, तो वो कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। ऐसे फिल कर सकते हैं, जो दिखाया जाता है वही फिल करना है वहाँ पे। एक बार वो फिल कर दिया तो यहाँ पे आपको जो सबमिट का बटन है वो सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल के ऊपर लिंक भेजा जाएगा यूटीआई से, तो वो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना पैन कार्ड। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आप पैन कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स तो है ही, तो वहाँ पे आपको कमेंट करना है और मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने की ट्राई करूँगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।